फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में पिछले 15 दिनों से भर्ती एक युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर नेशनल हाईवे पर युवक का शव रख कर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं जाम लगा रहे लोगों का आरोप है कि करीब 15 दिन पहले मृतक अपना इलाज करवाने के लिए हिसार रोड स्थित इंडस अस्पताल आया था। चिकित्सकों ने उसे इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती कर लिया था। आरोप है कि चिकित्सक 15 दिन तक उसका इलाज करते रहे और परिजनों को कहते रहे कि युवक की स्थिति में सुधार है, मगर अचानक चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया और आनंद फानंद में परिजन मरीज को हिसार के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं आरोप ये भी है कि फतेहाबाद के निजी अस्पताल संचालक लगातार यह कहकर उन्हें गुमराह करते रहे कि मरीज की स्थिति में सुधार है, मगर उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों ने इस मामले में पूरी तरह से लापरवाही की है, जो कि युवक की मौत का कारण बन गई। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी ने परिजनों को समझा बुझा कर आश्वस्त किया और कहा कि मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद ही परिजनों ने जाम खोला। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। हालांकि टेस्ट नहीं होने थे, उन्होंने बुला के हमको भेजा था। वहाँ पर डॉक्टर बोले थे आप इस श्रेणी की मिसिज है, उन्होंने कहा इसमें कुछ है नहीं, जिनका ही हॉस्पिटल है उनकी मिसिज ने ये बोला है कि कुछ नहीं है। तो वहाँ से हम वापसी आए तो ये बोले हम नहीं रखेंगे इसको, रेफर कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, और बार बार पैसे ऐंठते रहे यहाँ पर इलाज के नाम पर। बिल्कुल इनकी डॉक्टर साहब की लापरवाही, पैसे भी ऐंठते रहे लापरवाही। इंडस हॉस्पिटल में इसका कुछ इलाज चलता रहा तो जो यहाँ भी ठीक नहीं होते, कल इसको इशहार रेफर किया गया था, तो इशहार रेफर किया गया था सुबह इसकी वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो जिस कारण इसमें जो परिजन थे उनको रोष था, वो डेड बॉडी को वापस ले, तो उनका गुस्सा था, गुस्से के बाद उनको समझा बुझा के हॉस्पिटल पे जाएगा तो हॉस्पिटल में आगामी कार्रवाई की जाएगी डेड बॉडी की, तो जाके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन जो चीज आएगी वो कर लेंगे अगर फरार हो या कुछ भी हो। फतेहाबाद से वी न्यूज़ के लिए अजय मेहता की रिपोर्ट।